उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी ने राजधानी देहरादून के पल्टन बाजार में डोर टू डोर कैंपेन किया और जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। इसी बीच A1 संवाददाता ज्योति सिंह ने राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की खास बातचीत। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, हमारे साथ खुद यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है। पुष्कर जी, डोर टू डोर लगातार कैंपेन आप कर रहे हैं और आप बाजार में भी आप पहुंचे हुए, लोगों के बीच लगातार आप घूम रहे हैं, कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है? आपको दिख रहा होगा सभी लोगों में बहुत जोश है, बड़ा उत्साह है और सारे लोग इस बार भाजपा की सरकार चाहते हैं और हमने जो नारा दिया आपकी बार साठ पार, सात पार का नारा हमारा पूरा हुआ। 2012 के बाद 2012 में चुनाव लड़ा, 17 में चुनाव लड़ा, इस पर हैट्रिक लगा पाएंगे आप? आपको क्या लगता है, आपके आसपास की जनता देख के लगता है, लगा दीजिएगा? निश्चित रूप से लगेगा, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, पूरे उत्तराखंड की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। आपका स्वास्थ्य भी काफी दिनों से ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? नहीं देखिए, इससे कोई फर्क नहीं, हाथ में चोट लगी है लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। आपके पास कितनी सीट? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर जुड़े हुए थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि बार 60 के पार का नारा उत्तराखंड के CM यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का ताज किसके सर पे सजेगा इसकी तस्वीर तो 10 मार्च को ही क्लियर होगी, लेकिन जिस तरीके की ये भीड़ आपने देखी उत्तराखंड के पल्टन बाजार में, देहरादून में लगातार खटीमा सीट से विधानसभा चुनाव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चुनाव लड़ रहे हैं, खटीमा सीट से भी उनको पूरा भरोसा है कि इस बार हैट्रिक वो लगा लेंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, देहरादून।